हकीकत में बात की छे, ई हम सब समझे छिए। अहां मनियो आ चाहे नहीं मनियो, हुनका मन में चोर छन। हुनका डर छलन कि हम आ शिप्रा आमने सामने भ गेलिए त। अरे अरे, आप समझ में आलो पहली कि संजय आ शिप्रा एक दूसरे के आमने सामने पड़े के ना चाहिए। देख ले भाई, यहाँ संजय जी भी ऐ बियाह में नहीं गेले थीन। जब तोरा के बियाह में ना ही जाए के रहा तो ये सजावट काहे नहीं उतरलो अब तक? सजा धजा में 2 घंटा लागे छे, बियाह में नहीं गेले थे की भेले? कम से कम 4 घंटा बैस के तो सधा लिया। आओ ना, हाँ बात के बदलू ने, जीजा जी के बारे में सोचू कि उनकर की कहल जाओ। अंजू, एगो बात कही। कहियो ना। हमरा में एगो महिला जासूस के पति बने के क्षमता नहीं खे। या तो तू अपन जासूसी छोड़ दा, या फिर लागैया ई हमरा छोड़े के बारे में बात करे वाला छलखिन। अंजू, हम तोरा से कितना बार कहली कि जीजा जी के मामला में दिमाग मत लगाइल करा, अपना बारे में सोचा, पूछ के पढ़ाई के बारे में सोचा, लेकिन तू बड़ो की बस। कुत्ता के पूछ कहियो सीधा भेलैया नहीं ना? नहीं तो हम इनका छोड़बे आ ना अपन जासूसी के। उना कखनो कखनो हमर बात सुन सुन का बेसी परेशान भ जाय छथिन। ठीक छे, आगा से ज्यादा नहीं बजबे, लेकिन मन के बात मन में रखला से आदमी पागल नहीं ने? हम तो अपन मन के सबटा बात इनका सामने उगल देबे। आखिर हमर पति छथिन, झेलो तो पड़बे करते। देख ले हलू के वाइल हमरा के पहले ही से मालूम रहे कि अपन बेटी के बियाह में केहू ना आई। सब मेहमान पूछत रहलन कि संजय मालिक काहे नहीं अइलन, प्रेम के सास ससुर काहे नहीं अइलन। हम केकरा केकरा के जवाब देती? हमनी ने तो देहले रहनी, कडो भेजले रहनी, अब नहीं आने तो हम का करी? हम का करी, पहले तो उनके बेटी के सता सता के घर से भगा देली, फिर सबके न्योता भी भेज दे लू, जैसे सब लोग मानी गई हैं। बात करत रही। हाँ हाँ, सब गलती था हमारी बात। एक तो हमार बेटी हमसे जुदा हो गई, ऊपर से रहुआ भी। बाबूजी, अब जोन हो गए तन हो गए, जाए दीना। हाँ, अब हम कर भी का सकेली। जहन अपमान होके ग्रहण तो उन तो हो गए। बहुत बड़ नाटकबाज बनी रहुआ, का एक्टिंग करेली। घबराई मत, राउ सब ड्रामा काल खत्म हो जाए। का सोचे लगलो बेटी? अब कुछ नहीं, बस प्रिया के बारे में सोचे लग गई ली। वो बढ़िया से सेटल हो जाए बस। हाँ, वो तो बात, यही से प्रेम भी प्रिया और दामाद जी के संगे ही चल गई बा। वो लोगों के सब व्यवस्था बढ़िया से करके ही लौटी। हाँ, अच्छा वो पार्टी आ गई बिया। पार्टी? हाँ, पत्थर खरीदे खातिर वो लोग काल रुआ से मिले के चाहता ना। काल ही बिया के घर बा, एक दो दिन बाद फिर तो मुश्किल बा। काल साझी के उलोगन के वापस जाए के बा। ठीक बा, उलोग दोबारा यहन तो देखल जाए। नहीं नहीं, उनकरा के बोल दा काल हमें नहीं मिला था। नहीं वैसे कहाँ चले के बा? वो हम पूछ के रवा के सवेरे बता दे। वैसे हम उतर हुआ संगे चलते बानी ना? हाँ ठीक बा, हम काकी के देखा था। नहीं अच्छा, thank you.
पता ना बिशन देव का सोचत हुई हमारे बारे में, हमार मरल मुंह देखा ऐसा वैसन बात कह के तू हमरा के ब्याह में जैसे रोक ले लो और ऊपर से कहता रू कि हम तोहार बात मान ली कि बिशन देव ही सुप्रिया के कातिल बा, बिशन देव ही वो पत्थर चोड़ेले बा, यही ना रहुआ ओकरा के अपने सामने पत्थर के साथ देखब तब तो विश्वास होगी ना रहुआ के, या फिर ओकरा में भी रहुआ के राजेश के चाली नजर आई। पता ना बिशन देव का सोचत हुई हमारा बारे में, हमार मरल मुंह देखा ऐसा वैसन बात कह के तू हमरा के ब्याह में जैसे रोक ले लो और ऊपर से कहता रू कि हम तोहार बात मान ली कि बिशन देव ही सुप्रिया के कातिल बा, बिशन देव ही वो पत्थर चोड़ेले बा, यही ना रहुआ ओकरा के अपने सामने पत्थर के साथ देखब तब तो विश्वास होगी ना रहुआ के, या फिर ओकरा में भी रहुआ के राजेश के चाली नजर आई। काल दोपहर में बिशन देव पत्थर के बेचे वाला बा, रहुआ हमरे संगे चली, राजेश भी हो जाए, फिर रहुआ खुद अपने आँखें से देख ले कि कैसे दूध के दूध और पानी के पानी होता। कैसा मजाक करत बाड़ू तू, अगर बिशन देव पत्थर के चोरी कैले होत तो का वो ओकरा के 21 साल बाद बेचत। हमरा के तो लागत के तू और राजेश मिलके वो गरीब आदमी के फसावे में लग गेल बाड़ू। फिर शुरू हो गई नी रहुआ, पहले रहुआ राजेश के ऊपर से गुस्सा थूकी तब रहुआ के समझ में आई, अरे जब रहुआ जिसन पढ़ल लिखल इंसान के वो पत्थर बेचे खातिर कोनो विदेशी खरीदार के जरूरत पड़ल रहे तो ये बिशन देव अनपढ़ ओकर तो 25 साल ऐसे ही गुजर गए होकी उधेड़ बुन में कि वो पत्थर बेचे तो कहाँ बेचे और ऊपर से ये कत्ल और चोरी। अब जब ओकरा के लागा था कि मामला शांत पड़ गेल बा, केहू के ओकरा पर शक नहीं के तो पत्थर बेच के मौज मस्ती के जिंदगी बितावल चाहत बा। बकवास, सब बकवास करत बाड़ू तू, ये बिशन देव के अचानक विदेशी खरीदार कहां से मिल गेल, बोला बोला तू। मिलल नहीं खे, मिले जा रहल बा और ई सब शिप्रा राउर खातिर कर रहल बिया। शिप्रा? हाँ, हम ऐसे ही रोवा के बिहाई में जाए खातिर नहीं रोकत रहनी। दरअसल पिछला कई दिन से मधु बिशन देव के यहाँ शिप्रा बन के रह रहल बिया। रोवा ब्याह में ओकरा के देख के गुस्सा जेती यही से। अब बिशन देव के लागा था कि शिप्रा ओकर मदद कर सकेले, तब वो शिप्रा के माध्यम से वो पत्थर बेचे जात बा। रोवा चुपचाप काल दोपहर में हमरे संगे चली, मधु हमरा के समय और जगह बता दे। हम कहीं ना जाए, हमरा के तो सब राजेश के कढ़ल कहानी लगा था। शिप्रा मधुबिया हरना बिशन देव चोर और कातिल। रवा हमार खबरदार जे हमरा पर तू कोनो दबाव डाल लो, ना जाए मतलब ना जाए, समझ के लो। गुड नाइट। बात पर रंजना, इतना भोरे भोरे। हाँ राजेश, आज दोपहर के प्लान सब तय बानू। हाँ संजय आ रहा बानू। कल राती के हम उनकरा के बहुत समझाऊं,
बाकी वो आवे खातिर तैयारे ना हो रहल बाड़न। उ ना आयन तो दोनों लोगन के सब प्लान बेकार हो जाई। हम जानत आनी पर हम का करी, हम बहुत कोशिश कईनी लेकिन कुछ तो कर ही गयो की रंजना। अब यो वक्त बा, कोनो भी तरह से ओकरा के मनावा। हम पूरा कोशिश कई लेली राजेश, पर दरअसल वो दिन भी प्रिया के ब्याह में जाए से उनकरा के रोकल हमरे खातिर बहुत मुश्किल के काम रहे, पर हम कैसे हूँ उनकरा के आपन कसम दे के रोक लेनी। अब फिर से उनकरा के कैसे मनाई कुछ समझ में नहीं आवत। फिर तो एक के रास्ता बा, सिप्रा से बात करके कोनो भी तरह से प्लान के दो चार दिन खातिर टाल दिया जा। ये बीच तोहरा के भी समय मिल जाए तो कोनो भी तरह से ओकरा के मना लिया। नहीं राजेश, ये काम जितना जल्दी हो जाए उतने अच्छा बा। बिशनदेव से इनकर मुलाकात कभी हो सकेला, और बिशनदेव के सिप्रा के ऊपर तनको शक भइल तो ओकर जान भी खतरा में पड़ सकेला। सिप्रा से बात करके कोनो भी तरह से प्लान के दो चार दिन खातिर टाल दिया जा। ये बीच तोहरा के भी समय मिल जाए तो कोनो भी तरह से ओकरा के मना लिया। नहीं राजेश, ये काम जितना जल्दी हो जाए उतने अच्छा बा। बिशनदेव से इनकर मुलाकात कभी हो सकेला, और बिशनदेव के सिप्रा के ऊपर तनको शक भइल तो ओकर जान भी खतरा में पड़ सकेला। हमरा के तो कुछ समझ में नहीं आवत कि का कैल जाए, कैसे इनकरा के समझावल जाए। स्वागता, हमरा के ओकरा से बात करे के होखे, और दूसर कोनो रास्ता नहीं है। इतना दिन तक ओकर जब भी इच्छा भइल वो ही जावत रहे, अब लगता कि हमरा के ओकरे पास जाए के पड़ी। तू तुहार बात मनिए, वो कोशिश करके देखा था नहीं, ओकरे मन में अभियो हमरे खातिर दोस्ती के जज्बा पा, ये हम जाना था नहीं। हाँ रंजना, वो दिन जब सिप्रा के प्रेम के संगे रेस्टोरेंट में बैठल देख के गुस्सा में भरल एहजा आयल रहे तो गुस्सा में ओकरे मुंह से का निकल रहे मालूम बा? बहुत बचकाना सोच बा तुहार। कबू कब हम सोचे लेके तारा के माफ कर दी। बेचारा के मेहरारू मर गया, अकेले हो गए लोग, लेकिन ना झगड़ा करे के वजह अगर तू खुद खड़ा कर चाहत वाला हम पीछे हटे वाला नहीं किए। और तू पता नहीं काहे आदमी के साथ देते बाड़ू, अगर दोस्त की बेटी बाड़ू ना तू अरे कर हर दोस्त की जाने लिया। इनफैक्ट हमरे से बाहर कोई दोस्त नहीं। हमरा के आज बस ओकरे अंदर दबल वही भावना के कुले देखे पड़ी, पर हमरा के विश्वास बाकी हम ओकरा के मना देब। तो यही जा रुका हम आवता नहीं।
और अगर तुहार बात झूठ निकल तो का तू हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़ के चल जेबा? बैठी।